22 जनवरी 2024 ये वो तारीख है जिस दिन अयोध्या में बन रहे भव्य मंदिर में श्री राम विराजेंगे। ऐसे में आज हम आपको मध्य प्रदेश के खरगोन जिले से अयोध्या जाने वाले कार सेवक रणजीत सिंह डंडीर के यादगार लम्हों से रूबरू करा रहे हैं, जब 30-32 साल की उम्र में घर की विकट परिस्थितियों के बावजूद वे कार सेवा में न सिर्फ शामिल हुए बल्कि मध्य प्रदेश के हजारों कार सेवकों का नेतृत्व भी किया। बाबरी ढांचा हमारे माथे पर कलंक का टीका ऐसा करके हमको लगता था, उस कलंक के टीके को हटाना वहाँ से, इसके लिए 90 में कार सेवा में गए पहली बार। उसके पहले तैयारी के लिए गए थे अयोध्या, और तीसरी बार जो कार सेवा हुई 1992 में जिसमें राम भक्तों ने कार सेवकों ने उस ढांचे को ढहा दिया। 90 की जो कार सेवा हुई उस 90 की कार सेवा में मुलायम सिंह का शासन था, उन्होंने कार सेवकों को रोका, जगह जगह खाइयाँ खोद दी गई, जगह जगह रास्ते रोक दिए गए। हमारी गाड़ी यहाँ से निकलकर जब गाड़ियों से हम लोग गए लोकल लैटिन के लिए खरगोन से दीपक पांडे के, और पूरे प्रदेश से करीब करीब 20,000 लोग कार सेवा के लिए यहाँ से निकले थे। हम लोग जो पहुँचे मध्य प्रदेश में खरगोन जिले के लोग, वो रीवा से अंदर से एक वहाँ पर हनुमाना करके बाउंड्री है, वो हनुमाना बाउंड्री पर हमारी गाड़ियाँ रोक दी। उन्होंने कहा आप गिरफ्तारी देना पड़ेगी, आपको अंदर यूपी में घुसने नहीं दिया जाएगा। तो इन्होंने जो नेता लोग थे उन्होंने सबने गिरफ्तारियाँ दी, बाकी हम लोगों ने गिरफ्तारी दी। हम वहाँ से पैदल और खंडोरों से गलियों में से और ऐसे भीड़ रास्तों में से निकलकर नंगे पैर हमने शपथ ली थी कि जब तक राम कार सेवा करके और अयोध्या राम मंदिर पर पहुँचेंगे नहीं तब तक हम चप्पल नहीं पहनेंगे, हम तब तक ब्रह्मचर्य का व्रत रखेंगे। करीब कितनी दूरी रही होगी जब पैदल आपने यात्रा की? वहाँ से करीब करीब 200 किलोमीटर दूर था, ड्रामंडगंज करके कस्बा है, वो ड्रामंडगंज से होते हुए हम पैदल मियाँपुर जौनपुर पहुँचे, और जौनपुर से हम फिर वो गाड़ियों में बैठ गए। गाड़ियों में सब हजारों गाड़ियाँ थी, हजारों गाड़ी में हमको भरकर जौनपुर में एक बहुत शिक्षा विद्यालय का परिसर था, उसमें करीब 10,000-15,000 लोग होंगे जिनको गिरफ्तार किया गया। कितने समय तक बंद रखा था? नहीं, जेल में 24 घंटे हम रह पाए, 24 घंटे बाद, चूँकि खुली जेल थी, ज़्यादा प्रतिबंध था नहीं। यूपी में ट्रेन को आने जाने को रोकनी थी, तो यूपी के हम ट्रेन से इलाहाबाद पहुँच गए, और इलाहाबाद से फिर हम वहाँ से बसों से, वहाँ की प्राइवेट बसों से हम फिर अयोध्या पहुँचे, और 30 तारीख के दिन हम अयोध्या पहुँचे। 30 तारीख को वहाँ गोली चालन हुआ, ये नवंबर उस समय की बात बता रहा हूँ जिसमें पहली कार सेवा हुई थी, और उस कार सेवा में लोग पहुँच नहीं पाए और वहाँ गोली चालन हो गया और बहुत लोग मर गए, बहुत सारा हम उस स्थान तक पहुँच ही नहीं पाए अयोध्या में जिस जगह ये कार सेवा हो रही थी। मणिराम छावनी जो है वहाँ पर, मणिराम छावनी बहुत बड़ी ताकत के रूप में, एक शक्ति केंद्र के रूप में बना था। वहाँ हमारे संत जो वहाँ के महंत हैं नृत्य गोपाल दास जी महाराज, नृत्य गोपाल दास जी महाराज के साथ हम उनके आश्रम में रहे, और 3 दिन तक वहाँ से रहने के बाद फिर सब वहाँ से धीरे धीरे सबको कहा कि अब आप अपने घर जाइए, अब कुछ हो नहीं पाएगा, बहुत लाशें बिछी हैं, बहुत नुकसान हुआ है, और लाशों को सरयू नदी में और डाल के और बहा दिया गया। मिर्जापुर कस्बे में पहुँचे तो मिर्जापुर में संघ जो वहाँ के अधिकारी कुछ थे उनने हमको मार्गदर्शन देने के लिए रात को बुलाया सरयू नदी में, और हम वहाँ से नदी जाती है उसमें रात को हम नाव से, और रात के 11:30 बजे से 1:30 बजे के बीच में हम नहीं जानते वो कौन लोग थे, हम नहीं जानते कि इनके घर जा रहे हैं, हम ये नहीं जानते कि किन से मिलना है, पर फिर भी विश्वास करके नहीं किसी राम भक्त ने बुलाया हम गए, और मेरे साथ आलोक सक्सेना जो आज है नहीं उनका देहांत हो चुका है, हम दोनों वहाँ गए रात को, और रात को जब पहुँचे तो नदी में चप्पू भी धीरे धीरे चलाए कि चप्पुओं की आवाज़ ऐसा नहीं होगी ऊपर पुलिस वाले, क्योंकि वो उस पर भी पुलिस चली थी पुल पर भी। तो हम रात को वहाँ पहुँचे, एक गांव था वहाँ पर, और गांव में हमको एक घर में घुसाया, वो घर की छत से हमको दूसरे घर की छत पर पहुँचाए, दूसरे घर की छत से एक सीढ़ियाँ चढ़ के तीसरे घर में पहुँचे, और तीसरे घर में हमारे अंदर धकधकी लगी कि क्या पता कहाँ ले जा रहे हैं अपने को, कौन है क्या पता, क्योंकि यूपी के मामले में यह था कि यूपी में मुलायम सिंह की सरकार है और कहीं भी कुछ धोखा हो सकता है, इसलिए सावधान रहना। पर हम पहुँचे और वहाँ जाने के बाद उस व्यक्ति ने अपने हमको चाय पिलाई, नाश्ता करवाया, और उस व्यक्ति ने हमको पूरा रास्ता बताया कि सुबह आपको यहाँ निकलना है और यहाँ से इधर मत जाना, इधर जाना है आपको, और इस तरह करते हो। जब सुबह निकले हम उनके साथ, हम वो वापस फिर उसी नाव से वापस आए, और आने के बाद हमारे कार्यकर्ता खुश होकर भैया वापस आ गए, क्यों हमको भी लग रहा था क्या पता आएंगे कि नहीं। एक घटना इतनी बड़ी गजब की हुई कि उस घटना के कारण आज भी मैं अपने रोंगटे खड़े रहते हैं। उस घटना में वहाँ के राम प्रसाद करके एक यादव बंधु थे, मैं आज भी उनका नाम लेके बड़ा दिल में दर्द उठता है, उन्होंने अपने घर ले गए हमको, बाकी कार सेवक तो हमारा है, प्रमुख कौन है, तो मेरा और आलोक सक्सेना हम दोनों प्रमुख थे, तो हम दोनों घर ले गए। वो घर ले जाकर उन्होंने उनके परिवार से परिचय कराया कि ये कार सेवा में आए और ये वहाँ से हैं मध्य प्रदेश से, तो उन्होंने कहा कि ये प्रमुख दोनों हैं और इन दोनों को आप तो उनकी मदर ने कहा नहीं आप कहाँ से चल रहे हैं पैदल, तो हमने कहा हम 40 किलोमीटर दूर ड्रामंडगंज से और पैदल आएँ और नंगे पैर हैं
और हम कोई वो नहीं बचा चटाई भी सोते हैं ब्रह्मचर्य का बोले, उन्होंने कहा कि वो हमारे पैरों में छाले पड़ गए, तो उन्होंने उनकी बहुओं को कहा, उनकी दोनों बहुएं घर से निकली बाहर और गर्म पानी का ऐसा बड़ा सा तपेला, उस तपेले में हमारे दोनों के पाँव रखे और पाँव को धोया, और पाँव का धोने के बाद जब चरणामृत उन्होंने लिया तो हम तो धन्य हो गए साहब। मुझे जो लोग वहाँ आने वाले हैं 6 तारीख को, इतने सारे लोगों की व्यवस्था करना है, वहाँ टेंट लगे, वहाँ रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, इस कार सेवकपुरम जो पूरा एक कार सेवकपुरम बनाया था, उस कार सेवकपुरम के अंदर लोग रहेंगे तो इतने लोग भोजन कहाँ से बनेगा, कौन बनाएगा, ये आएंगे तो कहाँ रुकेंगे, इस पूरी तैयारी के हिसाब से हमको पहले बुला लिया था प्रमुख लोगों। मैं चूँकि बजरंग दल का प्रांत का सहसंयोजक था इसलिए 27 नवंबर को मैं पहुँच गया था अयोध्या, और 27 तारीख से 6 तारीख तक हमने पूरी तैयारियाँ करी वहाँ। जो हम सौभाग्यशाली हैं कि हम वहाँ तक पहुँचे और कार सेवक करने का मौका मिला, और बाद में राम मंदिर को, भगवान राम की उस विग्रह को, भगवान की मूर्ति को, और वहाँ जगह हमने टेंट कच्चा टेंट लगाया रात में, और टेंट लगाकर उसमें टेंट में उसको भगवान को स्थापित दिन किया गया उसी दिन रात को 6 तारीख को। आज जब ऐसा राम मंदिर बन रहा है तो लगता है संतुष्टि इस बात की कि वो समय था जब राम मंदिर की लड़ाई लड़ी गई तब भी मैं था, राम मंदिर का ऊपर खड़े हुए ढांचे गिरा है तब भी मैं था उस नेतृत्व करता, और आज जब राम मंदिर बन रहा है तब भी मैं प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के रूप में जिले में काम देख रहा हूँ, प्रदेश में काम देखता हूँ। पूरा परिवार, हमारे हजारों लाखों कार्यकर्ता यहाँ जाने के लिए आतुर बैठे हैं। कब तारीख मिलती है हमको? फरवरी की कोई महीने की तारीख सबको तय हो गई है, और उसमें जो कार सेवक गए थे मध्य प्रदेश से, उन मध्य प्रदेश के कार सेवकों को ले जाने का ऐसा तय हुआ है। अब वो तारीख फिक्स हो गई, जैसे ही जाएंगे हम, अभी तो हम तो खुशी होगी इस बात की हमको 22 जनवरी को जाने का मौका मिले। लोकल 18 के लिए खरगोन से दीपक पांडे की रिपोर्ट।